तो ये प्रोग्राम एनुअल डे हर साल रखा जाता है, इसको हम रखते हैं जितने भी पूरे साल में जो जो कार्यक्रम जो जो एग्जाम्स हुए हैं जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसको अवार्ड देने के लिए, बच्चों को अवार्ड देने के लिए। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम भगवान को याद करते हैं, तो मैं नितिन सर को बुलाना चाहूँगी दीप प्रज्वलन के लिए। Thank you.
कहते हैं संगीत हमें आशीर्वाद स्वरूप मिला है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती द्वारा इस ज्ञान को नारद मुनि और अन्य ऋषियों को दिया गया और इसी माध्यम से यह कला स्वर्ग से धरा पर है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें से सामवेद आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है पर अति महत्वपूर्ण है। साम शब्द का अर्थ है गांव। सामवेद में संकृत मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। भगवान शिव को संगीत का देवता माना जाता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि में आरंभ जब हुई थी तो ब्रह्मनाथ से शिव जी प्रकट हुए थे। उनके साथ तीन गुण भी आए थे, सत, रज और तम। ये तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल कहलाए। भगवान शिव जब शांत समाधि में होते हैं तो नाद करते हैं। नाद एक ऐसी ध्वनि है जिससे ओम बोला जाता है। नाद से ही ध्वनि और ध्वनि से ही वाणी की उत्पत्ति हुई है। तो आइए सुनते हैं शिव भजन दिव्यांग सिंह की आवाज में। Thank you.
Thank you.
पंजाब की कुड़ी पंजाब की ड्रेस में आपको पसंद आना होगा। आगे बढ़ते हैं। संगीत कितना खूबसूरत माध्यम है अपनी बात मनवाने का। बच्चे तो अपनी बात मनवाने के लिए मीठी बोली और गाने का सहारा लेते हैं। तनिष्का लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही गीत जो आज भी उतना ही प्रचलित है जितना अपने समय में था। Thank you.
Thank you.
लेकिन डर नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, अभी कुछ टाइम हो गया ज्वाइन किया है, लेकिन हिम्मत है करने का। कुछ ऐसे ही एक अगला हमारा जो स्टूडेंट है महेंद्र, वो लेकर आया है आपके लिए हमारे और उसकी हिम्मत ही भी दाद दीजिए, क्योंकि वो पहला जीवन का पहला प्रोग्राम है उसका। Thank you.
Thank you.
गाना चाहूंगी मानसी को अगली परफॉर्मेंस के लिए। Thank you.
मैंने जो करते हैं सुंदर परफॉर्मेंस था। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता और ना ही कोई सीमा होती। संगीत अपने आप में संपूर्ण है। जैसे एक बच्चा मधुर धुन सुनकर सो जाता है, मात्र ओम के उच्चारण से हम प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते। तो आइए आपको एक ऐसा ही गीत सुनाते हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। श्रीलंका की भाषाओं में तमिल भाषा के साथ तेलंगाना भाषा में प्रचलित है। इस गीत को लोकप्रियता बहुत जल्दी मिली। पहली बार ये एशियन म्यूजिक चार्ट टॉप 40 में 8वीं स्थान पर पहुंचा है। बच्चों में गाना लोकप्रिय है, तो आइए सुनते हैं इस लोकप्रिय गीत को यशस्वी श्रीवास्तव की आवाज में। एक तरह से उनका फल मिलना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा तालियां जोर से बजाइए।
ही खूबसूरत सा डांस परफॉर्मेंस। Thank you.
Thank you.
बुलाने जा रहे हैं लतिका यादव को, जो आज ही कॉम्पिटिशन जीत के आई है। इनके टीचर ने क्या करा, ये कुछ अच्छा गाती है, मैं जूनियर लड़की, उनके टीचर ने जानबूझ के सीनियर वर्क में डाल दिया, लेकिन ये लड़की वहाँ से भी ट्रॉफी खींच गई है। तो लाइए आप सुनते हैं लतिका यादव से गाना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो शायद हर किसी के जीवन में जरूरी है, और मुझे लगता है जरूरी है मेरे जीवन में, तो हर किसी के जीवन में जरूरी है। और ये खूबसूरत सा गीत आप सुनिए लतिका यादव के गाना। Thank you.
हमेशा बापतियां दो तू क्या
पहुंचवाते हैं, समझाते हैं, उनका पद प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसी ही कुछ भावनाएं और संदेश पर गीत लेकर प्रस्तुत है सत्यवाद देवी। Thank you.
I'm gonna make you mine.
मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि अब तालियों की आवाज में भी ना बहुत मजा सुनाई दे रहा है। आइए इसी आनंद को और दुगना तिगना चौगुना करने की कोशिश करते हैं। बुलाते हैं अगले प्रतिभागी को जो लेकर आई है अपने समय का, मतलब बहुत पुराना नहीं है, फिल्म भी सुपरहिट थी, गाना भी सुपरहिट था, और ये गाना खासकर मुझे बहुत पसंद है, और ये गाना स्पेशली मैंने इस बच्चे को गाने के लिए। तो आइए सुनते हैं स्मिता खंडेलवाल की आवाज में अगला गीत। Thank you.
बंगला ऐसे ब्रांड बहुत ही खूबसूरत से गीत लिखकर डाले हैं साधना को। हमारे यहाँ का सबसे सीधा साधा भोला भाला होता है और गाता कमाल का। तो आइए सुनिए सत्यमान होली की आवाज में अगला गाना। Thank you.
Thank you.
सृष्टि के कण कण में संगीत का वास है, नदियों के कण कण में, चिड़ियों के चहचहाने में, पवन के बहने में एक गति और लय है जो उसे बहुत अच्छा बनाते हैं। संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो संगीत से जुड़ा होगा। तो अब प्रस्तुत करने आती है एक और खूबसूरत संगीत ललिता यादव।
Thank you.
इसी डर मनोभाव को लेकर आ रही है मान्या यादव अपने स्कूल से लड़ने के लिए। कुछ और नहीं मांगे क्यों सोचना।
अगले विद्यार्थी हैं विधि सक्सेना। Thank you.
ही बची है। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने बहुत जगहों पे देखा है बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट
डांस नहीं कर पाते, सिंगिंग नहीं कर पाते, मंच छोटा बड़ा नहीं होता, प्रतिभाएं छोटी बड़ी होती है। अगर आप किसी चीज में भी अच्छी हो तो उसको और अच्छा करने का आपके ऊपर आपका मन होता है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं उसको। तो मैं सभी बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात गलत नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। प्लीज डू इट रेगुलरली, बहुत अच्छा कर आप लोगों ने, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, इट वॉज फ्लॉलेस, अमेजिंग, स्पीचलेस। और गीता माँ इंग्लिश में बहुत देते हैं बोलती है, तो आप डीआईडी देखते होंगे, मेरे को बोलना नहीं आता सीख क्या हुआ की बात, लेकिन बहुत बढ़िया था, लिटरली वेरी नाइस व्हाट दिस यू ऑल। और इंस्टीट्यूट में आके मेरे को एक ऐसा फैमिली वाला जो एटमोसफेयर होता है ना वो लगता है हमेशा। मैं कभी एक सर के नाते नहीं आता, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को यहाँ आके। लिटरली आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम हियर टुडे, थैंक यू सो मच संजय सर, रक्षिता मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और जज करना तो आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, आप सबने देख लिया होगा सारे बच्चे एक से एक बढ़कर। कभी मैंने जजमेंट दिए लेकिन वहाँ पे बहुत डिफरेंस होता था जब जजमेंट दिए, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस तो कहीं से कहीं तक नहीं था, तो डांस परफॉर्मेंस एक्चुअली मेरे को भांगड़ा आता है बहुत अच्छा, आपको पता है, और क्लासिकल एक टाइम पे मैंने किया था, तो स्मृता जो क्लासिकल थे आई थिंक इट वॉज एक्चुअली अ फ्यूचर परफॉर्मेंस, हमने देखो एग्रीम मेरे साथ क्लासिकल जो था इट वॉज वेरी नाइस। और संगीत के लिए सबसे टफ Thank you.
और मैं आंखें बंद करके सुन रहा था इसके सॉन्ग, बहुत ही बढ़िया गाया आपने, बहुत ही बढ़िया। लेकिन कॉम्पिटिशन है, मेरे को नहीं पता था सीरियसली, लेकिन आपकी आवाज अभी बहुत खुली है, प्रैक्टिस करते रहना ठीक है, बहुत ही बढ़िया ठीक है, ऐसे आगे जाते हैं। बहुत मेहनत से